लॉकडाउन 3 में मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी गई है। जो ग्रीन जोन है उन पर शराब की बिक्री पर अनुमति है। आप देख सकते हैं नज़ारा मुरादाबाद का पीली कोठी का है, मॉडल शॉप है, शराब की दुकान है। यहाँ पर ग्राहक आए थे, ग्राहकों के साथ जो गाड़ियाँ लेकर आए थे उनकी कोई परमिशन नहीं थी, जिसकी वजह से मुरादाबाद पुलिस एक्शन में आई है। और जो बिना अनुमति के जो गाड़ी लोग लेकर घरों से बाहर निकल रहे थे उनके गाड़ियों में भरवा दिया गया। भरवाने के बाद चालान किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन इसके द्वारा दिखाई दे रहा था वो आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंस की लगातार मुरादाबाद पुलिस अपील कर रही थी, लोग नहीं मान रहे थे। शराब की दुकानों के आगे पीछे भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही थी, लोग अपने साथ गाड़ियों को लेकर आ रहे थे, जिससे लॉकडाउन का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा था। आज मुरादाबाद पुलिस एक्शन में आई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की गाड़ियों को भरा जा रहा है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे थे। लगातार लोगों से अपील की जा रही थी। लोग जिनकी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं वो प्रशासन से, मुरादाबाद पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी गाड़ी को छोड़ दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी मुरादाबाद पुलिस एक्शन में आ गई, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ मुरादाबाद पुलिस कप्तान अमित पाठक आए थे, दुकान का जायज़ा लिया था, शराब की बिक्री का जायज़ा लिया था। तो उसके बाद देखा यह गया था कि सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल पालन नहीं किया था, यहाँ पर हो पा रहा था। पब्लिक जो है एक के बाद एक यहाँ पर इकट्ठा हो रही थी, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से मुरादाबाद पुलिस एक बार फिर एक्शन में आई। आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक नज़ारा है। यहाँ पर जो लोग हैं ये कोई राशन की दुकान नहीं है, किराना की दुकान नहीं है, ये शराब के जो आदि हैं पीने के, शराब की दुकानें खुलने के बाद उसकी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। जो यहाँ पर अभी आप ये नज़ारा देख रहे हैं तो गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है, गाड़ियों को भरकर चालान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुरादाबाद पुलिस एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन पीयूष शर्मा के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।